तक के बीच में घूमा हुआ मोबाइल? ये मोबाइल का जब भी आवेदन प्राप्त होता है उसको सर्चिंग पे डाल देता है। कई बार जैसे मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं, आपकी जेब से मोबाइल गिर गया, किसी व्यक्ति ने अगर सिम डाला, आपने उससे बोला कि ये मोबाइल किसी और का है, आप आके दीजिए, तो भेजा था तो हम लोग ले गए। तो कई बार होता ये है, हमें ये समझे होता है कि मोबाइल चोरी हुआ है कुछ और का है, तो ये बिना आपराधिक प्रकरण के जो सीधे आवेदन एसपी ऑफिस में पहुंचेंगे उनको सर्चिंग पे डाला गया, जब वो मिलेंगे उनको आज वापस देने का काम उज्जैन पुलिस कर रही है। इतने समय के आपका कह गया, चाहे आपकी गलती है किसी और की है, उसमें अगर वो ट्रेस हुआ है तो उसको आज उनको वापस कर सर। दो तीन लोगों को सिंबॉलिक देखे, चार पांच लोगों के साथ एक ग्रुप फोटो चाहिए जिसमें लोगों को मिले चाहिए। एक सौ चार मोबाइल उनके जो वास्तविक धारक हैं या मालिक हैं उनको वापस किए गए हैं। इनकी जो अनुमानित कीमत है लगभग 22 लाख के आसपास है। ये पिछले तीन वर्षों में अलग अलग समय पे जो धारक हैं उनके द्वारा किसी न किसी कारण से मोबाइल या हो सकता है जेब से गिरे हों या किसी भी कारण से घूम गए हों, आज उनको ट्रेस और ट्रैक करके वापस दिए गए हैं। सर कितने कीमत है टोटल मोबाइलों की और कितने कैसा लगा मोबाइल पाकर? मेरा मोबाइल एक साल पहले महाकाल मंदिर से घुमा था, वहाँ पे मैं महाकाल दर्शन के लिए गया था, तो तब मेरा मोबाइल घुमा था, तो तभी मैंने महाकाल थाना वहाँ पे लगता है पास में, तो तभी मैंने वहाँ पे रिपोर्ट डलवा दी थी और आज मिले हो उसको एक साल हो गया है, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा मोबाइल मिल जाएगा, पर उज्जैन पुलिस ने मतलब मेरा मोबाइल ढूंढ दिया है तो बहुत खुश हूँ। और मेरे साथ करीब 200 के लगभग पब्लिक हैं यहाँ, जो इनका मोबाइल भी चोरी हो चुका था, तो मेरे साथ उन सभी का मोबाइल भी मिल चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरबार सिंह राठौड़ है, गांव प्राण बड़ौदा का निवासी हूँ।